दिगंबरी अखाड़ा एवं रामानंदीय वैष्णव मैं नवम पीठाधीश्वर यहाँ का हूँ। आशा राम जी बापू जैसे ज्ञानी संत थे ये बड़ा दुर्लभ है, बड़ा विरल है। हिंदू धर्म का जो जितने धर्मशास्त्र है सब धर्मशास्त्रों को अच्छी तरह से जानते हैं बापू जी। संत आसाराम बापू जैसे हिंदू धर्म के रक्षा के लिए लगे थे दूसरा कोई तो देखने को नहीं मिलता है। वो निर्दोष बापू को आज कारागृह में रहना पड़ा, ये मुझे लगता है ये वास्तव में विधर्मियों का ये कुचक्रांत है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बहुत बड़ा बड़ा अपराधी भी ये भारत में खुला आकाश में घूम रहे हैं। बापू ऐसा क्या अपराध किए थे? संत समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, भारत का बड़ा दुर्भाग्य है, विश्व का भी बड़ा दुर्भाग्य है। इतने बड़े संत को, इतने बड़े प्रचारक ज्ञानी को ऐसा कारागृह में रखना ये घोर अन्याय है, मैं इसको बहुत निंदा करता हूँ। ये जो आसाराम बापू को शीघ्र कारामुक्त करा जाए ये हम सब हिंदू संगठन को और सब संत समाज को एक होकर ये आवाज़ उठाना चाहिए। बापू जब मुक्त होंगे तब ये सहज में अतिशीघ्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, ये मेरा आशा है। हम दिगंबरी अखाड़ा एवं रामानंदीय वैष्णव हमारा अखाड़ा दिगंबरी है। तो हमारा श्री संप्रदाय है जो रामानुजाचार्य श्री भाष्य के अनुसार जो सिद्धांत जैसे शंकरी भाष्य है हमारा श्री भाष्य है, ये श्री भाष्य रामानुज से ये संप्रदाय चले आ रहा है। तो बीच में हमारा रामानंद आए, संत रामानंद ये रामानंद संप्रदाय का संत हूँ मैं नवम पीठाधीश्वर यहाँ का हूँ। मेरा नाम महंत श्री राघवानंद दास, मेरा गुरु महाराज जी का नाम महंत श्री सीताराम दास जी। यहाँ ऐसा गो सेवा और जो हिंदू धर्म का प्रचार, शास्त्र का प्रचार और तो साथ अतिथियों का सेवा ऐसा सब मठ हो गए महाराज जी आपके जैसे ये मठ है। हमारा ये घुमुसर इलाका है, घुमुसर मंडल है, मैं सभापति हूँ। तो 150 मठ होगा। महाराज जी देख रहे कि संत आसाराम जी बापू के भी सेवा कार्य चलते आदिवासी विस्तारों में, गौ सेवा हो, आदिवासी विस्तारों में गरीबों की सेवा हो, घर वापसी की सेवा हो, तो उसके बारे में क्या कहो? पूज्य बापू जी जैसे महान संत थे, महान सेवक थे, तो दूसरा कोई नहीं होगा। महाराज जी के द्वारा जैसे भगवान का जो ज्ञान का प्रचार प्रसार और धर्म की रक्षा हो रहा था तो और कोई दूसरा ऐसा नहीं कर पाएगा। धर्म की रक्षा जैसा बापू जैसा कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन वो हिंदू संत आज 9 सालों से जोधपुर की जेल के अंदर है, क्या कहोगे उसके विषय में? देखिए हमारा जो शास्त्र सिद्धांत के अनुसार तो संत की कृपा बिना जीव का कल्याण असंभव है। संत कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, यह हमारा शास्त्र का सिद्धांत है। सदा श्रोतव्यम गुरु वेद वाक्यम, हमारा शास्त्र ये निर्देश करते हैं कि तुम्हारा कल्याण जब चाहते हैं तुम तो गुरु का मुखारविंद से वेद का वाक्य श्रवण करो, तब तुम्हारा कल्याण हो सकेगा, नहीं तो संभव नहीं है। कल्याण का दूसरा मार्ग कोई नहीं है। तो संत आसाराम जी बापू जैसे ज्ञानी संत थे ये बड़ा दुर्लभ है, बड़ा विरल है। भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से स्वयं भगवान ही कभी कभी इस धरती पर ऐसे अवतरित होते हैं धर्म स्थापना करने के लिए। ये धर्म का स्थापना करना भगवान का काम ही, इसमें संदेह नहीं है। तो मुझे लगता है कि स्वयं परमेश्वर ही ज्ञान का रूप में ये धरती पर आए थे आसाराम जी बापू, और ये धर्म का जो सत्य सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये खेद का विषय है क्या कारण हो गया बापू को, निर्दोष बापू को आज कारागृह में रहना पड़ा। ये मुझे लगता है ये वास्तव में विधर्मियों का ये कुचक्रांत है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि ये संपूर्ण सत्य सनातन हिंदू धर्म का, ये हिंदू धर्म का जो जितने धर्मशास्त्र है सब धर्मशास्त्रों को अच्छी तरह से जानते हैं बापू जी।
शास्त्र का मर्म को भी जानते हैं और हिंदू धर्म का मुकुट मणि है। संत आसाराम बापू जैसे हिंदू धर्म के रक्षा के लिए लगे थे, दूसरा कोई तो देखने को नहीं मिलता है। इसलिए तो विधर्मियों का ये कूचक्रांत, जब आसाराम बापू का कंठ अवरोध किया जाएगा, बापू को जब जेल में डाला दिया जाएगा, तो हिंदू धर्म संपूर्ण धूलिसात हो जाएगा। तब हमारा जो प्रचार करना ईसाई और मुसलमान का जो धर्म प्रचार करना, ये सहज होगा। और ये जो नेताओं का जिसका स्वार्थ में हानि होता था, तो उनका कूचक्रांत में बापू को ऐसे दंड दिया गया है। लेकिन बहुत बड़ा बड़ा अपराधी भी ये भारत में खुला आकाश में घूम रहे हैं। बापू ऐसा क्या अपराध किए थे? कोई तो नरहत्या, कोई तो चोरी, कोई तो व्यभिचार नहीं किया है ना। बापू को इतना बड़ा दंड देना क्या जरूरत है भारत का? ये वास्तव में हमारा दुर्भाग्य है, हिंदू समाज का संपूर्ण दुर्भाग्य है और संत समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, भारत का बड़ा दुर्भाग्य है, विश्व का भी बड़ा दुर्भाग्य है। इतने बड़े संत को, इतने बड़े प्रचारक ज्ञानी को ऐसा कारागृह में रखना, ये घोर अन्याय है। मैं इसको बहुत निंदा करता हूँ। आज हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो हिंदू राष्ट्र संत आसाराम जी बापू 9 सालों से जेल के अंदर है, कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? ये हास्यास्पद है। एक गुरुवर को, एक हिंदू धर्म का प्रचारक को, एक सत्य सनातन धर्म का जो पालनकर्ता को कारागृह में रख के ये हिंदू राष्ट्र घोषणा करना, यह हास्यास्पद है। इसलिए बापू जब मुक्त होंगे, तब ये सहज में अति शीघ्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, ये मेरा आशा है। पूर्ण संत समाज को ये विनती करता हूँ, संपूर्ण हिंदू संगठन को ये विनती करता हूँ, आओ हम एक होकर ये अन्याय के विरोध में आवाज़ उठाए। तो शीघ्र हमारा जो संत को, जो हमारा कल्याण का कारण है, हिंदू समाज का कल्याण का कारण है, जो आसाराम बापू को शीघ्र कारामुक्त करा जाए, ये हम सब हिंदू संगठन को और सब संत समाज को एक होकर ये आवाज़ उठाना चाहिए। सरकार से क्या कहना चाहोगे? संत समाज की ओर से क्या आप मांग करोगे? ये सरकार से ये हमारा ये मांग है, जब हमारा ये निरपराधी निर्दोष संत बापू को कारामुक्त नहीं किया जाएगा, तो ये हम एकजुट होकर ये आंदोलन करेंगे, जो आंदोलन के द्वारा विधर्मियों का बहुत बड़ा घाटा होगा और ऐसा विधर्मी नेताओं का भी बहुत बड़ा घाटा होगा। समय समय आ गया है, हिंदू समाज अब जाग गए हैं। सबको मैं ये विनती करता हूँ, सबको मिलकर आवाज उठाए और शीघ्र बापू को कारामुक्त कर किया जाए। सरकार से महाराज जी एक ही मांग कर रहे हैं कि संत आसाराम जी बापू को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, उड़ीसा से रफ्तार न्यूज़।